वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो जी? वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम इन आवर लाइव सेशन, वेलकम इन आवर लाइव सेशन। यस, वी आर बैक विद यू इन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ IFS एप्टीट्यूड। आपको पता है, इस सीरीज में स्पेशली खास करके ऐसे सवाल हम कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक को सीख सकते हो जो एग्जाम हॉल में जाके बेहद अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। जैसा ऑप्शन से सोचना मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वैल्यू पकड़ के करना, यानी निकालना नहीं पकड़ना वाला मेथड मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा बहुत सारे ढेर सारे चीजें है, चालाकी है, जिस चालाकी के माध्यम से आप एग्जाम में कुछ मार्क्स वैसे भी लेकर आ सकते हो। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ये सब चीजें हम देखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये जो सीरीज है, इसमें मैं ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूँ, ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो आपका ये चारों एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। CSIR, UGC NET, SET, GATE एंड UGC NET। जी हाँ, CSIR, UGC NET, SET, GATE एंड UGC NET सारे एग्जाम के लिए ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक मैं कंटेंट बता रहा हूँ, ये बेहद हेल्पफुल है। यस, तो ज्वाइन कर जाइए जल्दी जल्दी। निधि सर, सीरीज में तो CSIR NET में आने वाले टॉपिक कवर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल 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 निखिल, ऑब्वियसली CSIR NET वाली चीजें कवर होंगे। ब्रिजेश कुमार नीरज, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवाजी, भाग्यश्री, संध्या, पराग गवारे, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेलकम एवरीवन, नाइस टू सी यू पीपल बैक। तो एक लगातार सीरीज चलेगा और बेहद इंपॉर्टेंट बात जो है एनर्जी मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह सुबह शुरुआत में हम एक ऐसा मोटिव लेकर शुरू करेंगे दिन को, और ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करेंगे कि पूरा दिन आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के अंदर रहोगे, ये वादा मेरा है मेरे दोस्त। जैसा कि आपको पता है, दिस इज अ शो, यस द शो मस्ट गो ऑन सीरीज एंड द शो, आप देख सकते हो ये शो का ओपनिंग है। तो बहुत ही जल्दी ये शो ओपन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, आपको तो पता ही है, ज्यादातर यहाँ पे पुराना स्टूडेंट मैं देख सकता हूँ, ललिता, आकांक्षा, पराग, निखिल, संध्या, शैल के आप लोग आते ही हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, CSIR NET और GATE इसका लगातार जो बैच लाइव है वो एक मंथ वैलिडिटी के साथ, ये बैच में जो आपका IFS ऐप है उसमें चल रहा है। तो जब भी कभी आपको जरूरत लगेगा कि एग्जाम के आगे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपके पास ये उपाय भी है। उसके अलावा रेगुलरली आपको इस चैनल में बेहद अच्छे तरीके से लाइव मिल रहा है, यूट्यूब लाइव, जिस यूट्यूब लाइव पे भी अगर आप आओगे, मैं कहता हूँ यार और कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हर दिन आना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके अलावा देखिए, IFS की तरफ से और एक गिफ्ट है आपके लिए, IFS बुक कार्निवल। जी हाँ, इसके बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज सीजन 1.0। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा ऑफर है, ये जो है प्रोमो कोड book30 डालने से कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको चाहिए होगा वो आपको बेहद जो है कम प्राइसेस में मिल सकता है। तो ये देखिएगा, अगर आपको जरूरत है तब भी आप जाइएगा IFSonline.com पे और उसको क्या करेंगे, एक्सेस कर सकते हो आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लैक बोर्ड आ चुका है, और जब भी हमारे सामने ब्लैक बोर्ड आता है, दैट मींस अ इमेंस अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट मींस एन इमेंस अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी मेरे प्यारे दोस्तों। या ग्रेट, चलिए, तो ब्लैक बोर्ड आ चुका है, दैट मींस सवालों का जो है बरसात होने वाला है। बहुत सारे सवाल मैं आपको देने वाला हूं और उन सवाल को आपको सॉल्व करना होगा, उन सवाल को आपको सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, चलो सबसे पहले मैं आपको सवाल शुरू करते हुए एवरेज के सवाल के साथ, चलो एवरेज के सवाल के साथ सवाल शुरू करता हूं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑल यू पीपल इन ए क्लासरूम, इन ए क्लासरूम देयर आर, in a classroom there are 24 students and in a classroom there are 24 students and one teacher, okay, the average The average of their age is 16.
एवरेज डिक्रीजेस बाय वन इफ वी एक्सक्लूड द टीचर्स एज. वॉट इज द एज ऑफ द टीचर? वॉट इज द एज? आकांक्षा, आज आपका सवाल को भी हम लिखने वाले हैं, सारे स्टूडेंट मिलकर आपका सवाल का जवाब बताएगा, ठीक है? तो वॉट इज द एज ऑफ द टीचर? वन टू थ्री फोर. बताइए. तो बताया गया इन ए क्लासरूम देयर आर 24 स्टूडेंट एंड वन टीचर. 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है जी. आकांक्षा राठी, ब्यूटीफुल. In a classroom, there are 24 students and one teacher. The average of their age is 16. The average decreases by 1. If we exclude the teacher's age, what is the age of the teacher? What is the age of the teacher? बहुत important है CSI NET के लिए, as well as SET में भी average का सवाल आया है, as well as UGC NET पे भी आया है, GATE में कभी कभार आते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता बता के दूंगा कौन सा टॉपिक किसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, मुझे जल्दी जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए. वन द आंसर फ्रॉम यू. आकांक्षा राठी ने कही कि 40, क्या इतना जल्दी जल्दी आप कह सकते हो? आकांक्षा राठी ने कही कि 40, क्या इतना जल्दी जल्दी आप कह सकते हो? ये देखने वाला बात है, ठीक है? चलिए, एन ऑब्वियस बात है, मैं कुछ मैजिकल टेक्निक सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं आप क्या करते हो. बताइए जी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब के लिए. सर, आज क्लास नहीं ले पाएंगे, एसएससी एग्जाम है. ओके, ठीक है. आकांक्षा राठी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो आर यू अपीयरिंग फॉर सीजीएल? आर यू अपीयरिंग फॉर सीजीएल? ऑल द बेस्ट आकांक्षा. यस, ऑल द बेस्ट आकांक्षा. बहुत अच्छा होने वाला है. आप तो बेहद अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट? ऑल दो सीजीएल का मैथ्स थोड़ा डिफरेंट है, जैसा आपको पता है, मुझे भी पता है. ओके, तो इस बार आपको वादा तो किया था, बट आईएफएस की तरफ से अभी भी फुल सपोर्ट हम दे नहीं पाए. चैनल तो ओपन हो चुका है आईएफएस सरकारी नौकरी, बट सून वी आर गोइंग टू सेट अप एवरीथिंग, क्योंकि वक्त कम था. आपको पता है प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए स्टूडेंट को, वक्त कम था, इसीलिए उतना एफर्ट हमने नहीं दिया इस बार. लेकिन आपको हमेशा मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी, तो ये चैनल भी बहुत एक्टिव होने वाला है. सुन, ये चैनल भी बहुत एक्टिव होने वाला है. अभी आपको रेगुलर जीएस का लेक्चर मिल ही रहा है उस चैनल के ऊपर, बट सुन वी आर हैविंग प्लान्स जो कन्वे करेगा उस स्टूडेंट का जो नीड है उसको. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच आकांक्षा, ऑल द बेस्ट. चलिए, बाकी स्टूडेंट बताइए इस सवाल का क्या होगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा. देखिए, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मैं बात करना शुरू करूंगा. मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एवरेज क्या है. एवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है, वो जो कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 डेटा है, कुछ ऐसा 5 6 3 1 5, राइट?
एवरेज का मतलब होता है बहुत साफ साफ, इसका साम ले लो, यानी 5 + 6 + 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो। यानी कि आप देखो 5 + 6 = 11, 14, 15, 20, 20/5 यानी कि एवरेज क्या जाएगा, 4 आएगा। तो एवरेज का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब देख सकते हो यहां पे जो चीजें हैं उसका सम ले लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, आप एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज का सबसे पहला फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज सम बाय, दैट इज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सुन लो, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एवरेज। इससे क्या निकाल के आते हैं जी, इससे एक बहुत सिंपल चीज निकाल के आते हैं, दैट मींस सम इज इक्वल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सुन लो, ये सुन लो, बताइए सम इक्वल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो है पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ये एवरेज का सवाल करने के लिए याद रखना चाहिए, समझ रखना चाहिए कि एवरेज इज सम इक्वल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, वो क्या है समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभार आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स को कंसेक्यूटिवली 65, 65, 65, 65 मार्क्स मिलता था, तब आप आपके दोस्तों को कहते थे कि यार हम लोगों को एवरेज मार्क्स मिल गया, हम लोगों को एवरेज मार्क्स मिल गया, लगता है कि कॉपी खो गया था और हम लोग को एवरेज मार्क्स मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि अगर आप मान लेते हो ये कॉपी खो जाते हैं और ये स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव, और हर कोई को आप ये 4 मार्क्स देते हो, यानी जो एवरेज था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आप साम करोगे, देखो यार 20 ही आएगा, कोई साम में चेंज नहीं आते। तो दिस आइडिया इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ये मेथड और ये मेथड दोनों से ही करवा के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, एक मेथड तो है कि साम इक्वल एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरे आइडिया जो है जी, दूसरा आइडिया कहते हैं कि अगर कोई एक एवरेज वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एवरेज वैल्यू है 4, उस एवरेज वैल्यू को आप हर एक के वैल्यू में पुट कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि हर कोई वो मार्क्स लेकर आ रहा है। मानिए विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं और विराट कोहली का 100 मैचेस में रन का एवरेज है 55। इसका मतलब क्या आता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब आ जाते हैं कि विराट कोहली को अगर कोई भी मैच पे आप खेलने के लिए भेज दो, आप ये आशा रख सकते हो उनसे कि वो 52 रन कर सकते हैं। यानी एवरेज क्या दिशा दिखाता है, एवरेज ये दिशा दिखाता है कि हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। अब देखो ये दो आइडिया से कैसे आप एग्जाम का क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो विदाउट रिमेंबरिंग एनी फॉर्मूला। कैसे सर, चलो आ जाते हैं, वेरी गुड पराग। तो पहले देखो बताया गया है ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, 24 स्टूडेंट है और एक टीचर्स है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब अगर आप साम निकालोगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, ऐसे करते करते स्टूडेंट 24, लास्ट एक टीचर है, इसका साम क्या होगा, देख पा रहे हो आप, इज इट विजिबल और शुड आई टेक वन मोर पेज। अच्छा होगा अगर मैं एक पेज ले लूं, आई बिलीव आप क्वेश्चन लिख चुके हो, पढ़ चुके हो क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं क्या लिखूंगा, देखो यार स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट 24 प्लस एक टीचर, इनका एज का साम क्या होगा, एवरेज क्या बताया गया था, एवरेज बताया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 16। 25 लोग हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 25 अगर करोगे कितना आते हैं 400। ये सुन लो, क्या आप अग्री करते हो कि नहीं जल्दी बताइए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 25 दैट वुड बी 400, देयर इज नो एम्बिग्युइटी अबाउट इट, राइट। सिमिलरली सर
अगर आप देखोगे कि टीचर को आप हटा दोगे, एक्सक्लूडिंग द टीचर द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय वन। तो पहले 16 था, आज 15 होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 24, दैट शुड बी 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 15। इफ यू मल्टीप्लाई 24 बाय 15 हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, मेरे प्यारे दोस्तों बताइए। 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 करना है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30 यानी 300 राइट, एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 60, 300 प्लस 60 यानी 360। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए स्टूडेंट को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, टी शुड बी इक्वल 400 माइनस 360 दैट इज 40, मतलब टीचर का उम्र आ जाएगा 40 इयर्स, टीचर का उम्र आ जाएगा 40 इयर्स। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऐशा रॉय चौधरी वेरी गुड, पराग गवारे, ललिता पावर, भाग्यश्री पाटिल, सारे स्टूडेंट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो टी यानी टीचर की उम्र है 40 इयर्स, ये है नॉर्मल तरीके। लेकिन आपके एग्जाम हॉल में कौन सी तरीका आपको यूज करेगा, हेल्प करेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या ये मेथड क्लियर है, प्लीज बताइए। क्रिस्टल क्लियर, ऐशा रॉय चौधरी सिंह, बाकी स्टूडेंट क्या ये मेथड क्लियर है जी, क्या ये मेथड क्लियर है, आया ना, बहुत अच्छा। अगर ये मेथड क्लियर है तो हम देखेंगे एक्चुअली मैजिकल वे क्या है, मैजिकल वे क्या है वो हम देखेंगे। देखो यार, मैजिकल वे, इस मेथड का एक नाम दे चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक नाम दे चुके हैं हमारे स्टूडेंट, इसका नाम है वाओ मेथड। क्या मेथड, वाओ मेथड। वाओ मेथड क्या कहते हैं, वाओ मेथड कहते हैं यहां पे स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट टू है, स्टूडेंट 24 है, और यहां पे टीचर। बताया गया है इन सारे लोगों का, ये सारे लोगों का एवरेज आएगा 16। तो आपका काम क्या है, हर किसी का उम्र 16 पकड़ लेना, आपका काम क्या है, हर किसी का उम्र 16 पकड़ लेना। लेकिन यार थोड़ी देर में बताया गया है कि टीचर को अगर एक्सक्लूड करोगे, अगर आप टीचर को नहीं पकड़ोगे तो स्टूडेंट जो है उनका एवरेज आएगा 15, एक कम आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों टीचर को एक्सक्लूड करोगे, स्टूडेंट का एवरेज एक कम आएगा, 15 15 15। नाउ क्वेश्चन इज, पानी कहाँ पे मिक्स है। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हो, ये हो ही सकता है कि सारे स्टूडेंट का उम्र सेम है, क्योंकि करीब करीब हर क्लास में बार तैयार करीब करीब सेम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए हर स्टूडेंट का उम्र 15 साल है, और एक ही साथ ऊपर में बताया गया है हर स्टूडेंट का उम्र 16 साल है, एक साथ दो कैसे ट्रू हो सकता है, एक ही साथ दोनों उम्र नहीं हो सकता। तो कहाँ पे पानी मिक्स है बताइए, किसी एक जगह में पानी तो मिक्स है ना, कोई एक ओरिजिनल है और किसी एक जगह में पानी मिक्स है। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए पानी कहाँ पे मिक्स है, कमेंट करके बताइए पानी कहाँ पे मिक्स है। जी हाँ, वी आर लर्निंग वाओ मेथड, कमेंट करके बताइए पानी कहाँ पे मिक्स है, पानी कहाँ पे मिक्स है कमेंट करके बताइए जी, यार कमेंट करो, कमेंट करके बताइए पानी कहाँ पे मिक्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट का उम्र जो है 15 है, यहाँ पे 16 है, तो 15 है 16 है, 15 है 16 है, कहाँ पे पानी मिक्स है, टीचर्स का एज बता रहा है, यानी सर टीचर्स का उम्र यहाँ पे है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट हर कोई का उम्र सेम है, कैसे हो सकता है सर, मतलब पानी ऊपर पे मिक्स है, कितना पानी मिक्स है सर, एक्चुअली 15 15 होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस वन हो गया, प्लस वन हो गया, प्लस वन हो गया, तो सर ये सारे वन को यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक पानी मिक्स है, उस एक पानी को लेकर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो टीचर का उम्र का पानी है जो यहाँ पे आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों एक एक करके लेकर जाओगे, 24 में से एक लेकर जाओगे तो 24 यहाँ पे एड होगा, यानी टीचर का उम्र होगा 40 इयर्स। समझ में आया कि नहीं आया बताइए।
मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज वाओ मेथड, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज द मैजिकल वे। हाउ टू डू दैट, आप पहले क्या किया, हर कोई का एवरेज जो है 16 लिख लिया, उसके बाद 15 लिख लिया, उसके बाद देखिए कहाँ पे पानी मिक्स है, ऊपर पे पानी मिक्स है। टीचर और स्टूडेंट का उम्र सेम नहीं हो सकता, कितना पानी मिक्स है यार, स्टूडेंट का उम्र 15 है, एक एक ज्यादा हमने लिखा, मतलब टीचर्स में वो एज जाएगा। इस स्टूडेंट से एक एज इस टीचर में लेकर आए हो आप, स्टूडेंट से एक एज यहाँ पे लेकर आए हो, तो हर कोई से एक एक ईयर अगर निकाल के लाओगे आप तो 24 साल निकाल के आएगा और टीचर के साथ ऐड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके बताइए, मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए, आज तो मजा आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आज तो मजा आ ही जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यस और नो, शुड आई रिपीट वंस, प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसा ही सेम एक सवाल मैं देने ही जा रहा हूं और आपको उस सवाल को खुद करना पड़ेगा। पराग ने कहा गॉट इट, ब्रिजेश ने कहा यस वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, राइट। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल इज ओपनिंग, क्वेश्चन नंबर 2। एंड स्टूडेंट, आप देखिए आप में से सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा जो है उन्होंने सवाल को लिख कर दिया, यानी कमेंट सेक्शन में जाकर उन्होंने सवाल को लिखा जो उनका डाउट है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे जितने स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, अगर हर कोई खुद का डाउट लिखोगे वो सवाल मैं लेकर आऊंगा, बेहद अच्छे तरीके से डाउट सॉल्व भी हो जाएगा इस क्लास के ऊपर। तो प्लीज और प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए और इसको मेंटेन करिए, एंड पे देखिए आपको ही हेल्प मिलेगा, तो प्लीज और प्लीज ये करिएगा। The average age of 30 children, the average age of 30 children in a class is 9 years. If the teacher's age is included, if the teacher's age is included, the average age becomes 10, find the teacher's age। पेन और पेपर के अलावा ये सवाल करना पड़ेगा, पेन और पेपर के अलावा ये सवाल करना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हमारे स्टूडेंट जो है कर पा रहे हैं। पेन और पेपर के अलावा ये सवाल करना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन कर सकता है। शिवाजी चौहान, नाइस टू सी यू बैक, फैंटास्टिक।
बताइए द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रेन इन ए क्लास इज 9 ईयर्स इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 10 फाइंड द टीचर्स एज। वाओ मेथड, वेरी गुड शिवाजी चौहान, वाओ मेथड को इस्तेमाल करिए और बेहतरीन तरीके से जवाब मिलकर लेकर आइए। वाओ मेथड का इस्तेमाल करिए और बेहतरीन तरीके से जवाब लेकर आइए जी, ठीक है करिए। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखिए अभी तक नहीं हुआ है सबको, शिवाजी चौहान, ऐशा रॉय चौधरी, भाग्यश्री पटेल, आप लोग कर पा रहे हो, बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं चाहता हूं मेरे क्लास के 100% स्टूडेंट ये बाव मेथड सीखो, आपको बेहद हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम इज 9 ईयर्स, तो हर चिल्ड्रन का उम्र आप 9 साल पकड़ लो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी करिए। वेरी वेरी गुड संध्या शेल के, वेरी वेरी गुड संध्या शेल के, बाकी स्टूडेंट कौन कौन हो, यूजीसी नेट वाले कौन कौन स्टूडेंट हो बताइए, यूजीसी नेट वाले कौन कौन स्टूडेंट हो यहाँ पे जल्दी बताइए। एनीबडी फ्रॉम यूजीसी नेट, टेल मी फास्ट, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एनीबडी फ्रॉम यूजीसी नेट, टेल मी फास्ट, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जी। भाग्यश्री पाटिल इज फ्रॉम सेट, वेरी गुड, एनीबडी एल्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस भाग्यश्री, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया यार। बाकी स्टूडेंट कमेंट करिए। संध्या शेल की वर्क फ्रॉम सीएसआईआर नेट, राइट सीएसआईआर नेट, चलो यार। तो देखो सिंपल बात है, पहली बात तो चिल्ड्रन है 30, तो 30 चिल्ड्रन को लिखिए, थर्टी चिल्ड्रन का उम्र जो है मेरे प्यारे दोस्त देखो क्या है, 9 इयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इज बिकम्स 10, अगर आप मानते हो कि C1 C2 C3 C30 के साथ टीचर भी है, उम्र थोड़ा बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्र क्या होता है, 10 होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट का जो चिल्ड्रन है उनका उम्र तो 9 ही रहेगा, तो पानी कहाँ पे मिक्स है बताइए, पानी कहाँ पे मिक्स है, पानी यहाँ पे मिक्स है। क्यों सर, जो चिल्ड्रन है उसका उम्र तो 9 ही रहेगा और टीचर और चिल्ड्रन का उम्र एक नहीं हो सकता, कितना पानी मिक्स है यार, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 30 अमाउंट ऑफ पानी मिक्स है, वो पानी को यहाँ पे डाल दीजिए यानी प्लस 30 यानी बन गया 40, है ना कमाल की चीज। हाँ या ना बताइए, Yes or no, इनोवेटिव मेथड है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। क्यों मैं बताता हूं क्लास अटेंड करने के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी बुक में आपको ये मेथड नहीं मिल सकता, ना ऑनलाइन में मिल सकता है, यूट्यूब में भी शायद ही मिलेगा, आई डोंट नो। आप कहोगे सर आप कहाँ से सीखे हो, देखो यार मैं मैथ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिनों से मेरे साथ मैथ का रिश्ता है, और जब भी ये रिश्ता आप बना लेते हो चीजों को, आपके अंदर ही ये सारी चीज आने लगता है, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। बचपन से मैथ को प्यार करता हूँ और आफ्टर 12th तो सिर्फ मैथ के साथ ही टाइम गुजार रहा हूँ, राइट। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ऑल दिस थिंग्स, नेट एंड सो ऑन, उसके बाद नौकरियां, सब मैथ्स के रिलेटेड, तो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। तो आप अगर करते जाओगे कोई भी चीज तो आपके अंदर भी ये मैजिक होने लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज जस्ट मैजिक एंड यू हैव टू डू मैजिक। The beautiful thing about that, आप अगर मेरे क्लासेस फॉलो करोगे, मैं आपको यूनिफाइंग थ्योरी में विश्वास डलवाऊंगा, मतलब यूनिफाइंग थ्योरी मतलब एक मेथड सारे सॉल्यूशन। सर ऐसा पॉसिबल है, विश्वास नहीं होता है ना, चलो दिखाता हूँ, एवरेज कई सवाल से दिखाता हूँ, कोई भी सवाल दो मैं इसी मेथड से कर दूंगा, सवाल चाहे जो भी हो मैं बाव मेथड से करूंगा। आप लोग अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको पता है मैं सारे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल एक ही तरीके से कर देता हूँ, और फॉर्मूला एक भी नहीं यूज करता हूं, एक्स को मैं तो भूल चुका हूं, राइट। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखो सवाल है अलग, जवाब होगा एक, ठीक है।
एवरेज मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स, ये सीएसआर लेवल का सवाल है, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35। इफ द एवरेज मार्क्स इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द past candidates of the past candidates was 39 and that of the failed candidates that of the fake failed candidates was 15 then the number of the candidates who passed the exam was then the number of candidates who passed the exam was option number 100, option number 2 110, ऑप्शन नंबर 3 120, ऑप्शन नंबर 4 150। करिए क्या बात, ब्यूटीफुल श्रेया सिंह, आई एम लिटरली इंप्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ श्रेया सिंह एंड शिवाजी चौहान, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आर यू सॉल्विंग बाय वाओ मेथड? देखिए, आर यू सॉल्विंग बाई वाओ मेथड? क्या आप वाओ मेथड के माध्यम से कर रहे हो? जी आप क्या वाओ मेथड से माध्यम से कर रहे हो? द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 120 कैंडिडेट्स वाज 35। इफ द एवरेज ऑफ द पास्ट कैंडिडेट वाज 39 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज 15 देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जाम वाज, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखना चाहता हूँ आप में से कौन कौन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूं आप में से कौन कौन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, सारे एग्जाम बेस्ड सवाल है, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, मैं इधर उधर का सवाल नहीं दूंगा आपको, बस एग्जाम सवाल। यस सर, वेरी गुड शिवाजी। सारे स्टूडेंट देखिए, क्या आपको ये आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्लास में लगातार जुड़े रहिए, आपको उस लेवल तक जाना ही है और मेरे साथ आप जुड़े रहो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, हम एक साथ मिलकर उस लेवल को अचीव करेंगे कि चाहे एग्जाम में जो भी सवाल आए आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जल्दी बताइए क्या होगा जवाब। श्रेया सिंह, हाउ यू हैव सॉल्व? कैसे कि आपने साम निकालकर, सम ऑफ द नंबर कैलकुलेशन किया आपने। भाग्यश्री पाटिल जी 100, वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया है, यूट्यूब में आके मन भर जाते हैं हमारे स्टूडेंट बेस देखकर। मैं बार बार कहता हूं मुझे 100 बच्चे नहीं चाहिए, कि भाई 15-16 जितना भी हो, 5 स्टूडेंट ऐसा मिल जाए जो हीरा जैसा हो, जो देश का भविष्य बदल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा 5 यूथ चाहिए, 100 नहीं चाहिए, 5 चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप में से ऐसा कोई हो मैं चाहता हूं, आप में से कोई ग्रेट रिसर्चर बने, हमारे देश को रिप्रेजेंट करे आउट ऑफ ऑल एम्बिग्युइटी, आउट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, ठीक है। आप आउट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज आप ऐसा काम करो
कि कुछ बोलने लायक है, नाज हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ काम निकल कर किया। श्रेया, श्रेया सिंह थोड़ा जुड़े रहिए। देखिए आपको एक बेहतरीन मेथड मैं बताने वाला हूं, जैसा मैं करता हूं, जैसा देखिए शिवाजी ने किया, तो हम कहते हैं वाव मेथड। ठीक है, वाव मेथड। ठीक है, तो वाव मेथड से करेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सवाल को, देखो इस सवाल में बताया गया है 120 कैंडिडेट्स है, ठीक है, जिनका एवरेज है 39, एवरेज है 35। पहला लाइन क्या बताया गया है, 120 कैंडिडेट है जिसका एवरेज है 35। मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए वाओ मेथड क्या कहते हैं, वाओ मेथड कहते हैं कि C1 C2 C3 करते करते आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों 120 कैंडिडेट है, और ये हर किसी का मार्क्स जो है वो है 35 35 35। दिस इज द एवरेज मार्क्स। तो एवरेज जो आते हैं वो हर किसी को वो मार्क्स दे दीजिए। मान लीजिए हर किसी को 35 मार्क्स मिला है। इस मेथड का नाम क्या है, वाओ मेथड। आप देखकर ही समझ सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट ने ही दिया इसका नाम। मैं पूछ रहा था इस मेथड का नाम क्या दे सकते हैं, उसने कहा आउट ऑफ एमेजमेंट वाओ मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों, तो वाओ मेथड क्या कहते हैं कि 35 35 35 ले लो। अब बताया गया है जो भी स्टूडेंट पास करने वाले हैं उसका एवरेज है 39, और जो स्टूडेंट फेल करने वाले हैं उसका एवरेज है 15। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए हमको पता नहीं है कितना पास करेगा कितना फेल करेगा, टोटल 120 स्टूडेंट है। तो क्लू क्या है, क्लू है ऑप्शन। ऑप्शन में पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जाम। पकड़ लेते हैं 100, 110, 120, 150, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। 100 पकड़ लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट। तो देखो यार C1 C2 ऐसे करते करते C100 स्टूडेंट पास कर चुके हैं, उनका एवरेज क्या है, 39 39 39 आया ना। और फेल कितना कर चुके हैं जी बताइए, फेल कितना कर चुके हैं बताइए। तो फेल कर चुके हैं 101 लेकर 120, यानी 20 स्टूडेंट फेल कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 30 15। ये सुन लो उनका एवरेज 15 है कि नहीं। चलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेन मुद्दे की बात ये है, आपको बताया एवरेज मतलब टोटल सम सेम है, मतलब टैंकी में पानी है, 120 टैंकी में पानी है और हर एक में 35 लीटर पानी है। पानी इधर से उधर कहीं पे नहीं जाएगा। अब जब कोई पास कर रहा है तो उसका पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, उसको ज्यादा मार्क्स मिला, उसको कितना पानी ज्यादा हो गया, या चार चार ज्यादा हुआ, हर टैंकी में चार चार करके ज्यादा हुआ, हाँ या ना बताओ। हर टैंकी में चार चार करके ज्यादा हुआ, हाँ या ना बताइए। हर टैंकी में चार चार करके ज्यादा हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना ज्यादा हुआ, 4 गुना 100 लीटर टोटल ज्यादा हुआ। तो जितना यहाँ पे ज्यादा हुआ उतना वहां पे कम होना पड़ेगा, ये सुनो बताओ यार। यहाँ पे कितना कम हुआ, 20 20 करके कम हुआ, 20 20 करके कम हुआ, यस और नो मेरे प्यारे दोस्तों, यस और नो कमेंट करके बताइए। 35 था 15 हुआ, तो हर जगह में 20 लीटर करके पानी घटा कि नहीं घटा। तो यहाँ पे 20 20 करके घट रहा है और यहाँ पे चार चार करके बढ़ रहा है, वहां पे जितना बढ़ेगा वहां पे उतना घटेगा। दुनिया में हर चीज बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 गुना 100 जितना होता है, कितने स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, 20 बच्चे, 20 गुना 20 भी उतना ही होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, हो रहा है, मजा आ गया, जवाब आ गया 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फिर से बताओ। दिस इज कॉल्ड मैजिक मेथड, वाओ मेथड। फिर से मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज का मतलब आपने ले लिया हर जगह सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चीजें है, कोई एक जगह में ज्यादा होगा तो कोई एक जगह में कम होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा होगा वहां पे उतना ही कम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 400 ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे मेजर करके देखिए सेम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सेम नहीं होगा तो वो आंसर नहीं है। मान लीजिए आप पकड़ते तो 110 स्टूडेंट पास करता है, आप पकड़ते हो 110 स्टूडेंट पास करता है, तो फेल करने वाला कितना स्टूडेंट रहेगा, 10 स्टूडेंट रहेगा। अब देखो 110 स्टूडेंट में हर एक में चार चार करके ज्यादा हुआ है, तो 4 गुना 110 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना 110 होगा, 35 से 39 हुआ है इसीलिए। तो 4 गुना 110 440 होता है, लेकिन 20 गुना 10, 20 गुना 10 क्या होता है, 200 होता है। 20 क्यों सर, क्योंकि 20 20 करके कम होगा, 15 मतलब 20 20 करके कम होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 200 होता है, ये 440 होता है, इक्वल नहीं होता।
मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए, दिस इज कॉल्ड वाव मेथड। यस सर, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या बताया था, चाहे सवाल जो भी हो एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। आपके बुक में, कोई भी बुक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर को, एवरेज को, हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है, क्या जरूरत है। देखो एक क्वेश्चन आता है एवरेज का, जिसमें कहते हैं मान लीजिए A1, A2, A1, A2, A3, A4 और A5, इनका एवरेज है 5, इनका एवरेज है 5, और सवाल में पूछा जाता है तो A1 प्लस 5, A2 प्लस 5, A3 प्लस 5, A4 प्लस 5, A5 प्लस 5, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। ये फॉर्मूला से स्टूडेंट रटते हैं, क्या जरूरत है। अब वाव मेथड अप्लाई करिए, वाव मेथड अप्लाई करिए मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज 5 है तो क्या होगा, जल्दी बताइए इसका एवरेज क्या होगा। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पे एवरेज क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे एवरेज क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पे एवरेज क्या आएगा। कविता, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए एवरेज क्या आएगा। A1, A2, A3, A4, A5, इसका एवरेज, वेरी गुड श्रेया सिंह, सारे स्टूडेंट बताइए। नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है जी, सारे स्टूडेंट बताइए जरूर, सारे स्टूडेंट बताइए जरूर। सारे स्टूडेंट बताइए जरूर, कमेंट करके बताइए यार, वेरी गुड। शेयर तो किया ना आप लोगों ने, शेयर तो किया आपने, बढ़िया। संध्या शेलके क्या है, संध्या शेलके जी कह रहा है कि 10 सर, संध्या शेलके कह रहा है 10, कविता सिंह एवरेज प्लस 5, पराग कह रहा है 10 10 10। तो देखो ये जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस और बस देखना है कि सर यहाँ पे हर जगह में 5 है, हर जगह में 5 है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही वही कि हर एक को इक्वल दे दो, हर जगह में 5 है। अभी A1 प्लस 5, A2 प्लस 5, ऐसा प्लस 5 करोगे तो यार सिंपल बात है, हर जगह में 10 हो जाएगा, हर जगह में 10 है, हर जगह में 10 है, तो क्या आंसर आएगा, जवाब आ जाएगा 10। क्लियर। किसी ने कहा A1, A1, A2 इसका एवरेज है ये, क्वेश्चन में पूछा गया है 3A1, 3A2, 3A3 इसका एवरेज क्या होगा, जल्दी बताइए एवरेज क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। 3A1, 3A2, 3A5, अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हो प्लीज और प्लीज रट्टा मत मारिए, ये सब चीज, ये रट्टा मारने का चीज नहीं है, समझने का चीज है, राइट। जल्दी बताइए इसका एवरेज क्या है, जल्दी जल्दी बताइए इसका एवरेज क्या होगा। राइट डाउन इन द राइट डाउन फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, राइट डाउन फास्ट इसका एवरेज क्या होगा, राइट डाउन फास्ट। 3A1, 3A2, 3A5 जो वैल्यूज है उसको 3 गुना किया गया है, देखकर समझकर बात करो पराग जी, एवरेज था 5, आपने 3A1, 3A2, 3A5 ले लिया, एवरेज क्या होगा, वाव मेथड को अप्लाई करिए। फैंटास्टिक श्रेया शिवाजी, वेरी गुड पराग, वेरी गुड संध्या शेल के, ब्यूटीफुली यू हैव सेट करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड, क्या बात ईशा रॉय चौधरी। तो देखिए अल्टीमेटली जाके वाव मेथड वर्क्स फैंटास्टिक वे, इन अ फैंटास्टिक वे, इन एवरी क्वेश्चन यू कैन वर्क विद दिस फैंटास्टिक वाव मेथड, बिकॉज देयर इज अ वाव मेथड, यू शुड नॉट वरी अबाउट एवरेज, सवाल चाहे जो भी हो जवाब आप कर पाओगे, सवाल चाहे जो भी हो जवाब आप कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या ये सॉर्टेड है, एवरेज का टॉपिक सॉर्टेड है कि नहीं,
आज घर जाके एवरेज का सवाल लगाओगी कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए, सॉर्टेड है कि नहीं बताइए, यस और नो? यस। कविता फिर से कह रहा है 3 × एवरेज। कविता फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं करना है, 3 × एवरेज क्यों बता रहे हो? आपको अनुभव करना है कि एवरेज का वैल्यू वाव मेथड से पुट कर दो। हाँ सर, इट्स किम मैथ्यू। किम, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? ठीक है, किम यू आर फ्रॉम विच प्लेस? सर वाव मेथड, सर वाव मेथड मेन यूएसपी, टाइम बचाएगा सर एग्जाम में। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ ये सीख लीजिए। और क्यों मैं कहता हूँ ये, अगर आप लाइव सेशन में आते हो तब भी सीख पाओगे। कोई भी बुक ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक बुक लिखूँ, मानिए हम बुक रिव्यू खुद करते हैं, बुक लिख भी चुके हैं, हमारे एक बुक है जिसमें मैं राइटर हूँ, आपको बताया गेट जनरल एप्टीट्यूड IFS का, गेट जनरल एप्टीट्यूड में मैं खुद राइटर हूँ। अब मैं खुद जब बुक लिखा, क्या मैं लिख पाया ये सारी चीजें? नहीं ना। फ्यूचर में लिखेंगे कभी, टेंशन मत लीजिए। मैं एक बुक लिखूंगा, मैथ्स विदाउट फॉर्मूला, मैथ्स विदाउट एक्स, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विदाउट अ सिंगल फॉर्मूला, फ्यूचर में लिखेंगे, सबर रखिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बुक में, अगर नॉर्मल एग्जाम प्रिपरेशन वाला बुक में आप ऐसे चीजें लिखोगे, अब मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो पहचानता नहीं मुझे या क्लास नहीं किए है, उसको क्या समझ में आएगा ये देखकर? आप देखो ऐसा एरो रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, क्या समझ में आएगा? लगेगा कि केमिस्ट्री का इक्वेशन है। हाँ या ना? सर मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। कविता, अच्छा कविता, नाइस टू सी यू कविता, वेलकम। आप कौन सी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कविता जी? सर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दे दिया करिए। श्रेया सिंह यूट्यूब में और क्या क्या दे, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डाउट सॉल्विंग भी मैं करा रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, आपका जो डाउट है कमेंट पे जाके करना है। देखिए लास्ट लेक्चर के नीचे, लास्ट लेक्चर के नीचे आकांक्षा राठी, शी इज अ वेरी वेरी सीरियस स्टूडेंट, कंसिस्टेंट स्टूडेंट, शी इज गोइंग टू गेट अ GRF रैंक, आई कैन टेल यू नाउ ऑल द पीपल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे देखिए डाउट, आकांक्षा ने लास्ट दिन 2 डाउट पूछी और किसी ने नहीं पूछा, तो दैट इज व्हाट मेक पीपल डिफरेंट। ब्रिलियंस बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, एफर्ट कौन कहता कितना दे पाते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादा एफर्ट देने वाला लोग बहुत कम है, ट्राई नहीं करते हैं लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आलसी होते हैं। तो आप में से अगर एक आदमी ये काम कर रहा है, मतलब वो रेयरेस्ट वर्क है, तो आप भी ट्राई करिए ना थोड़ा करने का। डाउट सेक्शन मैं पूछा हूं कि यूट्यूब में डाउट कराऊंगा, और कौन कराता है बताइए? यूट्यूब में आपका डाउट सॉल्व होगा, इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है खुद का डाउट। आकांक्षा ने 3 सवाल लिख लिया, उनका 3 सवाल मैं जल्दी ही बताने वाला हूँ इस सीरीज में। तो प्लीज और प्लीज थोड़ा ये मेहनत उठाइए, ठीक है? मैं और भी सवाल कराता हूं आज। चलिए कुछ देखता हूं क्या है, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जिसको हमेशा किसी भी चैप्टर के साथ हम जो है मार्च करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुका है। चलो सवाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है पर्सन बाइज, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल, पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, And sold it
₹75 लेस, सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस. He could have gained. He could have gained. He could have gained. वैसे श्रेया सिंह, आप IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे फ्री क्वेश्चन हम अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, वहां पे फ्री क्वेश्चन ऑलरेडी भी अपलोडेड था, फिर भी आपको मुझे आपने पूछा तो मुझे याद आया. He could have gained 25%. लेकिन PYQ नहीं है क्या आप लोगों के पास? जो भी एग्जाम देते हो उसका PYQ तो वेबसाइट में मिल जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा मेहनत ही बनना पड़ेगा. What is the cost price? आप जो एग्जाम देते हो उसका वेबसाइट में उसका PYQ है, वहां पे जाइए, PYQ निकालिए, जवाब ढूंढिए, ट्राई करिए. नहीं आता है तो मुझे पूछिए. ठीक है जी, चलो बहुत अच्छा सवाल है. मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन करते हूँ. ठीक है, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल इमेज सेट दे रहे हो कविता, वेरी गुड कविता. सर वी डिफीटेड इन फुटबॉल मैच. अच्छा, यू आर फ्रॉम कोरिया किम, ग्रेट. तो अभी बताइए मुझे, श्रेया सिंह ने कहा कि 375. बाकी स्टूडेंट बताइए, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए. शिवाजी आप कहां पे हो? अरे शिवाजी तो ऑलरेडी बता चुके हैं. शिवाजी क्या बात, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस, ही कुड हैव गेन्ड 25%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? फैंटास्टिक. शिवाजी आपका सब्जेक्ट क्या है? श्रेया आपका सब्जेक्ट तो मैथ है. शिवाजी आपका सब्जेक्ट क्या है? कमेंट करके बताइए. बाकी स्टूडेंट भी बताइए यार जवाब क्या होगा. कमेंट करके बताइए. देखो यार, सारे स्टूडेंट को नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं जिसको नहीं आएगा आपको थोड़ा स्पीकअप करना पड़ेगा. आप अगर चुप रहोगे, यार सबको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, तो नहीं चलेगा. यू हैव टू स्पीक अप. सर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बताओ फिर से. सर मुझे नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपका नाम तो पता चले मुझे. फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसा आना चाहिए वो मैं आपको सिखा दूंगा. शिवाजी का केमिस्ट्री है बहुत अच्छा. सर नहीं आ रहा है ऐसा रॉय चौधरी, कोई बात नहीं, ऐसा सिखाऊंगा ना मैं. देखो मैं यहाँ पे वो सवाल देता हूँ ज्यादातर जो स्टूडेंट को डाउट हुआ था. स्टूडेंट ने मुझे इस सवाल को, चार पांच स्टूडेंट ने पूछा, सर इसको कैसे करें. तो यू आर नॉट द वन. बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत है. ठीक है, भाग्यश्री पाटिल, वेरी वेरी गुड. सर प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेरा. कुछ नहीं ऐसा, बस वक्त बिताना पड़ेगा. जिंदगी में जिस किसी के साथ कंफ्यूजन है, थोड़ा वक्त बिताइए, सॉल्व हो जाएगा. यही एक ही सलाह है मेरे प्यारे दोस्त. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा. तो अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज, ऐसे चीज को हमेशा, नाजुक चीज को मैनेज करना है 100 पकड़ के. 100 अगर पकड़ लेते हो तो गेम थोड़ा इजी होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली ये भी हम मैजिकल वे से ही करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों. देखो यार, तो अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. यानी प्रॉफिट 20% किसके ऊपर होता है? पढ़ाने के दिन बताया था, बताओ प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, जल्दी बताइए. मैं ऑलरेडी यूट्यूब में भी पढ़ा चुका हूँ आपको, जल्दी बताइए प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकालते हैं हम, जल्दी बताइए. वेरी गुड मॉर्निंग वेदांत, वेलकम. जल्दी बताइए यार, प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हैं, फास्ट. वेदांत चौधरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम. यार प्रॉफिट किसके ऊपर निकालते हैं? पहले ही गलती. हिबाजी चौहान, कॉस्ट प्राइस पराग, वेरी गुड. पहली बात में ही गलती. यार सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट निकालते हैं,
कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाला जाते हैं, कितने बार पढ़ाओ, सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकाला जाते हैं। सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकाला जाते हैं, तो मानिए सीपी क्या पकड़ लूं कि परसेंटेज निकालना इजी हो जाए, सीपी को क्या पकड़ लूं कि परसेंटेज निकालना इजी हो जाए। आप कह रहे हो कि सर 100 पकड़ लो, बहुत अच्छा, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस बना 120 रुपए, हाँ या ना बताओ, सेलिंग प्राइस बना 120 रुपए, यस और नो बताइए, वेरी गुड राइट, सेलिंग प्राइस बना 120 रुपए, यस और नो बताइए। सर क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है, इफ यू हैड बॉट इट एट 20% लॉस लेस, 20% लेस से अगर खरीदा जाते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा यार, पहले 100 से खरीदा था, उससे 20% लेस, तो मतलब क्या होगा, अगर उससे 20% लेस में खरीदता है तो 80 में खरीदता है, और बताया गया है सोल्ड इट फॉर 75 लेस ही कुड हैव गेन 25%। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपने कॉस्ट प्राइस को पकड़ा, आपने कॉस्ट प्राइस क्या पकड़ा 100, ये जो आपने कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ा, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है नहीं। जैसा मानिए 5 रुपए और $5, इसमें फर्क है, दोनों ही करेंसी है, दोनों का ही वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों वैल्यू में अंतर है, उसके अंदर एक कन्वर्शन रेट है, $1 इज इक्वल कितना इंडियन रूपी आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपके लैंग्वेज में कॉस्ट प्राइस है 100, लेकिन बाकी ही सच में तो नहीं है ना, ये आपके इमेजिनेशन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपने 100 पकड़ा, 100 पकड़ के 120 आ गया, तो ये 100 120 ये सारे जो वैल्यू है, मानिए ये सारे चीज इंडियन रुपीस में कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे जो 75 बताया गया है ये उनका वर्षन का 75 है, यानी US डॉलर का 75 है, तो $75 और 75 रुपी सेम तो नहीं होता है, तो ये गलती मत करिएगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है क्या चीज करना अलाउ है मैजिकल वे पे, क्या चीज करना अलाउ नहीं है, तो मैजिशियन बनना पड़ेगा आपको, सिंपल सिंपल बात पे आपको 75 से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये US डॉलर का वैल्यू है, आप इंडियन रुपीस में काम कर रहे हो अभी के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताया गया है कि 80 रुपए में खरीद कर अगर 75 रुपए पहले से कम रुपए में बेचा, तो देखो 120 माइनस 75 करके तो इससे कम आ जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते हो। और क्या क्लू है, और एक क्लू है, ही कुड हैव गेन 25%, तो यार ये तो हम कर सकते हैं, 80 रुपीज के ऊपर 25% का गेन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25% यानी कितना 1/4, 25% यानी 1/4, तो 80 का 1/4 करोगे 20 होता है, 25% यानी 1/4, हाँ या ना, तो 1/4 आप 80 करोगे तो 20 होता है, 80 से अगर आप 20 जोड़ते हो, 80 से अगर आप 20 जोड़ते हो तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो 100 होता है, ये सर ने बताइए, बताया तो गया है ना कि 25% गेन होगा, 80 रुपए में 25% गेन यानी 20 रुपए गेन, और 20 रुपए गेन होगा यानी 100 बन जाएगा, बताया गया है कि ये जो गेन होकर जो पैसा हुआ है, देखो सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस, फिर से पढ़ रहा हूं, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, तो 80 रुपए में खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस, किससे, पहला वाला सेलिंग प्राइस से, तो ही कुड हैव गेन 25%, तो गेन करने के बाद हमने देखा यार सेलिंग प्राइस बन रहा है कितना, सेलिंग प्राइस बन रहा है 100, और आपकी कंडीशन बताते हैं इन दोनों में अंतर 75 होना चाहिए, उनके कंडीशन बताते हैं इन दोनों में अंतर 75 होना चाहिए, लेकिन आपके वर्षन कहते हैं 100 और 120 में 20 का अंतर है, तो जो आपका दिशा आपके लैंग्वेज में 20 है भाई साहब, उनके लैंग्वेज में 75 है, तो जो आपके लैंग्वेज में 100 है, क्योंकि 100 इज द कॉस्ट प्राइस, आपको 100 का वैल्यू निकालना है, आपने देखा 20 रुपए का वैल्यू 75 रुपए है, आपका आपका लैंग्वेज में जो 20 रुपए है उनके देश में वही 75 रुपए है, तो आपके लैंग्वेज में जो 100 है जो 5 गुना है, इनके लैंग्वेज में भी 5 गुना हो जाएगा, 5 7 35, 350, 5 5 25,
50 प्लस 25 यानी 375। मजा आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, मजा आया कि नहीं आया बताइए। 375 ठीक है, 375 मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उतना नहीं करना है, आपको बस ये मैजिक करना है। 100 बना 120, 80 बनेगा 100। इन दोनों में उनके आपके वर्षन में अंतर 20 है, उनके वर्षन में अंतर 75 है, इंडियन करेंसी यानी यूएस करेंसी। सी द ब्यूटी सर, मजा आ गया, मजा तो आया लेकिन अभी आना भी है क्वेश्चन। सीरियसली बताइए, समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है मैं क्लियर करवा दूंगा, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है मैं क्लियर करवा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। यही सारी चीज करना है, आप बहुत ही कम देखोगे कि एक भी सवाल में नॉर्मली कर रहा हूं, हर एक सवाल में एबनॉर्मली करता हूं। और ये एबनॉर्मल मेथड्स को थोड़ा बहुत अगर आप सीख लेते हो, जिंदगी में आगे बहुत बढ़ोगे, सोचना डेवलप करेगा। वंस मोर, यस वंस मोर कर देता हूं, ऑडियंस से जो भी है एक वो आया है कि सर और एक बार कर दीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जब भी कभी जिंदगी में ऐसा चीज आएगा, आप किसको याद करोगे? 100 को याद करोगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, मैं कहता हूं यार एक्स पकड़ते थे स्कूल में तो निकालना पड़ता था एक्स को। मैं कहता हूं जिंदगी में एक नीति मान के चलो, निकालना नहीं पकड़ना है, निकालना नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है, वैल्यू पकड़ना है। देखो यार यहाँ पे वैल्यू क्या लिया, 100, एक्स को नहीं पकड़ा। एक्स को पकड़ोगे या निकालने में बहुत झंझट होगा, आप छोड़ दो, आप 100 पकड़ो। 100 पकड़ लिया तो 100 इज द कॉस्ट प्राइस, यार सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 120। साफ साफ बात है, बताया गया है अगर 20% कम में खरीदते हो, 100 से 20% कम यानी अगर 80 रुपए से खरीदते हो और पहले से 75 रुपए कम में बेचते हो, पहले से 75 कम में बेचते हो तो 25% का मुनाफा है। यार पहले से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 से कम हो जाएगा। डाल में कुछ काला है, काला क्या है यार? ये है इंडियन डॉलर, इंडियन रुपीस, और आप डॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, काम नहीं चलेगा। काम किससे करना पड़ेगा? परसेंटेज से। परसेंटेज बहुत ही प्यारा है, हर चीज के साथ कोलाबोरेट करते। तो परसेंटेज अगर 80 का निकालोगे, 25% ऑफ 80 यानी 1/4 ऑफ 80, आप नॉर्मली भी कर सकते हो, 180 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 100, मुझे पता है वो 1/4 आएगा, मैं कर दिया 1/4, तो 1/4 ऑफ 80 होता है 20, 80 से 20 जोड़ोगे 100 होगा, तो सेलिंग प्राइस 100 बनेगा। लेकिन उन लोगों ने कहा था इन दोनों के, पहले वाला सेलिंग प्राइस जो है और आज वाला सेलिंग प्राइस जो है, उन दोनों में अंतर 75 होना चाहिए। आपने देखा यार 120 माइनस 100 आता तो है 20, आपके लैंग्वेज में 20 है भाई साहब, उनके लैंग्वेज तो 75 है, तो आपके लैंग्वेज में 20 है, उनके लैंग्वेज में 75 है, आपके लैंग्वेज में 100 क्या है? 5 × 20 = 100 होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब प्राइमरी स्कूल। 20 × 5 = 100, 75 × 5 = 375। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया जल्दी जल्दी? 75 यानी 70 + 5, तो देखो 7 × 5 यानी 35 और 0 मतलब 350, 5 × 5 यानी 25, 350 + 25 = 375। तो दैट्स द ब्यूटी। मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके देखा। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों आपने वाव मेथड का खासियत देखा, क्या बात है, राइट? चाय के साथ बैठकर अगर आप वाव मेथड को देखोगे तो मन भर जाएगा, लगेगा कि चाय बगान में बैठ के पहाड़ियों को देख रहे हो। वाव मेथड आपने देखा, उसका नजारा बहुत ही सुंदर है, और वाव मेथड के बाद आपने आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक शानदार सवाल को कैसे आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो नया अंदाज से। मेरे प्यारे दोस्तों थैंक यू सो मच, आई बिलीव यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ऐसे ही आनंद उठाते रहिए हमारे सेशंस को, और आ जाइए देखिए हमारे दो मॉन्क हैं, मॉन्क जी आपको नमस्कार कर रहे हैं कि शांति बजाय रखो मन में, ठीक है, शांति से शिद्दत से पराई की तरफ मन दो, एंड द ग्रेट वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक यू इज देयर फॉर यू, थैंक यू इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, तो यस थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज, एंड अपकमिंग डेज बनेगा आज का दिन से। तो मेरे प्यारे दोस्त आज बेहतरीन परफॉर्म करिए पूरा दिन, कि दिन के एंड में लगा कि मैं मेरा 100% दे चुका, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर सर कितना इजी हो गया प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ इजी बनेगा ना। ईशा राय चौधरी थैंक यू सो मच सर। भाग्यश्री पहले मैं स्किप करती थी, अभी प्लीज मत करिएगा। थैंक यू पराग, थैंक यू संध्या,
थैंक यू एवरी वन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और आगे बढ़िए, बस इतना ही चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, कल आ जाइएगा सुबह 9 बजे, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और नीचे डाउट पूछिए, जो भी डाउट है पूरा दिन पढ़ने के बाद पे, आज सारा दिन जो भी पूरा दिन क्वेश्चन करिए कभी भी, और क्वेश्चन करने के वक्त पे एक वक्त रखिए जिसमें आप एप्टीट्यूड का सवाल करोगे, और एप्टीट्यूड का जो भी सवाल में आप अटक जाओगे वो आके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, और क्या चाहिए, यूट्यूब में ही आपका प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।